अभी तो बीजेपी का मुकाबला तीन और पार्टियां कर रही हैं। पूछते हैं भाई साहब कौन कौन सी पार्टी। मैंने कहा बीजेपी को हराने वाली तीन पार्टियां हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। तीन पार्टियां हैं किसान, जवान और पहलवान। ये तीनों ने, इन तीनों ने बीजेपी को तो चेतन तीनों ने ही कर रखा है। चुनाव तो बाद में आएगा। एक बात जो हरियाणा में बच्चे बच्चे को पता है और वो ये है कि भाई बीजेपी की सरकार तो गई, मगर कांग्रेस को क्या आएगा, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। मैंने कहा तीन संभावनाएं हैं। उसने कहा तीन संभावनाएं हैं। मैंने कहा हाँ, क्या? मैंने कहा पहली संभावना ये है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे हरियाणा में हवा चल रही है। दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है। मैंने कहा तीसरी ये है कि आंधी नहीं, सुनामी चल रही है कांग्रेस की। जब हरियाणा से खबर जाएगी ना जी कि पहले तो 10 में से 5-5 थे, लेकिन विधानसभा में तो कहते हैं लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, ये हो रहे की खबर जब जाएगी तब पता लगेगा कि हाँ गड़बड़ हो गई है, तब संदेश जाएगा, तब ये मामला जो ये पंक्चर हुआ ये ठीक ठाक किया जाएगा, इसको आगे पूरा किया जाएगा काम। हरियाणा में किसी ने मेरे से पूछा भाई साहब बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस पार्टी कैसे कर रही है। मैंने कहा कांग्रेस का नंबर तो बाद में आएगा, अभी तो बीजेपी का मुकाबला तीन और पार्टियां कर रही हैं। पूछते हैं भाई साहब कौन कौन सी पार्टी। मैंने कहा बीजेपी को हराने वाली तीन पार्टियां हरियाणा में कांग्रेस नहीं है। तीन पार्टियां हैं किसान, जवान और पहलवान। ये तीनों ने, इन तीनों ने बीजेपी को तो चेतन तीनों ने ही कर रखा है। चुनाव तो बाद में आएगा। किसान के साथ जो धोखाधड़ी की है बीजेपी ने, देश के किसान आंदोलन को क्या कहते थे, आतंकवादी है, मेरे जैसे लोगों को आंदोलन जीवी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, क्या क्या नहीं दिया इन लोगों। किसान को बदनाम जो करेगा इस देश की जनता उसे माफ नहीं करेगी। अगर सूरज के ऊपर थूकोगे तो थूक तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगा, और यही बीजेपी के साथ हुआ है। किसान का जितना भी दुख तकलीफ है वो सारा दुख तकलीफ लेके किसान ने तय कर लिया इनको ठीक करना है। जवान का जो मामला है आप सबसे छुपा नहीं है, इस पूरे इलाके में, पूरे हरियाणा में जो बेरोजगारी का आलम है देखा नहीं जाता। किसी गांव में चले जाओ आपको लड़के मिलेंगे पांव लटकाए बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हो भाई? नहीं भाई साहब बैठा हूं। क्या, घर पे हूं जी? बेरोजगारी की जो स्थिति है और जिसके लिए बीजेपी सरकार कुछ करने की कोशिश नहीं कर रही है वो दूसरा कारण है। और तीसरा, हमारी पहलवान बेटियों के साथ जो इन्होंने किया है, पूरे देश ने देखा है इन्होंने क्या किया है पहलवान बेटियों के साथ। बीजेपी का मंत्री जिसके खिलाफ 16 साल की लड़की ने शिकायत की थी कि मेरे साथ बेजा हरकत करता था, मंत्री हो तुम, संसद सदस्य हो तुम, 16 साल की लड़की कह रही है बेजा हरकत कर रहे हो, और लोग सिर्फ कह रहे थे मोदी जी इसको उस पोस्ट से हटा दो, इसको कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष पद से हटा दो, वो ना करें। इतनी बेशर्मी, इतना
औरतों के साथ जो बेशर्मी इन्होंने की है उसका जवाब हरियाणा की जनता दे रही। तो मैंने कहा जवान, किसान और पहलवान, इन तीनों ने मिला के ही बीजेपी को चित कर दिया है, कांग्रेस तो बाद में अब आई है। मैच का फैसला तो पहले हो चुका है। एक जमाने में मैं टीवी पे बैठ के बताया करता था कि चुनाव में क्या होगा, तो मेरा पुराना पाप है इसलिए लोग मेरे से पूछ लेते हैं कि भाई साहब इस बार क्या होगा। मैंने कहा देख भाई, चुनाव की भविष्यवाणी करना तो मेरा काम है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक बात जो हरियाणा में बच्चे बच्चे को पता है, और वो ये है कि भाई बीजेपी की सरकार तो गई। फिर उसने कहा बीजेपी की तो गई मगर कांग्रेस को क्या आएगा, कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी। मैंने कहा तीन संभावनाएं हैं। उसने कहा तीन संभावनाएं हैं? मैंने कहा हाँ, क्या? मैंने कहा पहली संभावना ये है कि कांग्रेस के पक्ष में पूरे हरियाणा में हवा चल रही है। उसने कहा ठीक है जी, उसमें तो कांग्रेस जीत जाएगी, उसको सरकार बन जाएगी। दूसरी संभावना क्या है? मैंने कहा दूसरी संभावना ये है कि कांग्रेस के पक्ष में हवा नहीं, आंधी चल रही है। उसने कहा तीसरी संभावना क्या है? मैंने कहा तीसरी ये है कि आंधी नहीं, सुनामी चल रही है कांग्रेस की। और मैंने कहा अब तुम देख लो भाई जाके कि हवा है, आंधी है कि सुनामी है, ये तुम तय कर लो, मेरे को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सरकार कहां बन रही है वो तो हरियाणा की जनता ने तय कर लिया है, और अब हथीन की जनता को तय करना है कि आप इस काम में कहां खड़े हो। ये मैं आपसे खास अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यहां के लोग पशोपश में रहते हैं, कई बार इसको वोट दे दें, उसको वोट दे दें। याद रखिए इस वक्त चुनाव में सिर्फ दो पार्टियां हैं, कैंडिडेट कई होंगे, पार्टी सिर्फ दो है। याद रखना मेरे बात, गांठ बांध लेना। अगर मेरे घर में आग लगी हो तो मुझे सिर्फ दो पार्टियां दिखाई देती हैं, एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा हो और एक वो जो पानी की बाल्टी लेके आया हो, कोई तीसरी पार्टी नहीं होती है। तो आपको तय करना है कि हथीन में तीसरी पार्टी का क्या काम है। यहाँ उम्मीदवार हैं इनेलो वाले, क्या नाम है साहब उनका? तैयब हुसैन साहब हैं। मैं उन्हें जानता नहीं भाई, उसके बारे में मैं कोई बुरी बात बोलूंगा नहीं, जिसको जानते नहीं उसके बारे में गलत बात बोलनी नहीं चाहिए। और ऐसा नहीं कि मैं चौधरी इसराइल को ही बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों, ना नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूं, इस देश में हर आए दूसरे तीसरे दिन लिंचिंग की खबर आती है, इस देश में हर दूसरे दिन कहीं बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देता है, हर तीसरे दिन खबर आती है यहां से मुसलमान को निकाल दिया, यहां से माइनॉरिटी को निकाल दिया, तुम अपनी रेडी पे अपना नाम दिखाओ, अपना ये करो, अपना वो करो। आप सिर्फ इतना सोच लेना, लिंचिंग के खिलाफ लड़ाई में, बुलडोजर के खिलाफ लड़ाई में, इस देश में जो गैर इंसाफी हो रही है, जो नफरत और हिंसा का राज हो रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई में तैयब हुसैन साहब काम आएंगे क्या? अगर आएंगे खुशी से वोट दे देना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अगर नहीं आएंगे तो फिर रिश्तेदारी मत देखना, फिर जान पहचान मत देखना, फिर सबसे बड़ी रिश्तेदारी है इंसाफ के साथ रिश्तेदारी। अगर हमें इस देश में जो निज़ाम चल रहा है उस निज़ाम के नाइंसाफी के मुखालफत करनी है, उसके खिलाफ खड़ा होना है, बुलडोजर के राज को रोकना है, तो आज की तारीख में पंजे को वोट देना है, इधर उधर मत दीजिए। जैसा मैंने कहा मैं तैयब साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं जानता ही नहीं क्यों बोलूं भाई, होंगे अच्छे आदमी, मैं तो मान के चलता हूं अच्छा ही होगा, लेकिन
इस लड़ाई में काम नहीं आएंगे और इस लड़ाई को खराब और करेंगे। वोट बटेगा, लड़ाई खराब होगी। आप ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां बैठे हुए हर शख्स के पीछे मुझे 500,000 लोग दिखाई दे रहे हैं। यहां जिस तरह के मौजूद हजरात बैठे हैं, आप में से एक एक शख्स तय कर ले 500-500 वोट तो आप करवा दोगे। मैं चाहता हूं ये बात, मेरा जो अर्ज है, ये अर्ज आप गांव में हर घर तक लेके जाएं, मर्दों तक लेके जाएं, औरतों तक ये बात पहुंचाएं कि देखो रिश्तेदारी अपनी जगह, जान पहचान अपनी जगह, उठ बैठ अपनी जगह, लेकिन इस वक्त देश का भविष्य तय करने का मौका है। इस वक्त हमें एक बड़ा सवाल पे आना है, हमें उसका फैसला करना है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, और मेरा करने का ज्यादा हक बनता है इन सब से, क्योंकि मैं कांग्रेसी नहीं हूं, क्योंकि मैंने जिंदगी भर कांग्रेस की मुखालफत की है और मेरे को कांग्रेस से कुछ मिलने वाला नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं, शुरू में मैंने कहा बस एक ही चीज की ठेकेदारी है, सच बोलने का अपना काम। इस वक्त इस मुल्क को, इस वक्त हरियाणा को जरूरत है बदलाव की, जरूरत है नफरत फैलाने वाले, 35-1 में बांटने वाले, हिंदू मुसलमान में बांटने वालों को कान पकड़ के कुर्सी से नीचे उतारने की जरूरत है। ये काम हरियाणा की जनता करेगी तो पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे देश में बदलाव शुरू होगा, और इंशाल्लाह ये नफरत की, लूट की, झूठ की, फूट की सरकार खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।